हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपको एक नई चीज़ दिखाने वाले हैं। देखिए, मूली का हम लोग आज फ्लावर देखेंगे। ये आपने बहुत ही कम देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मूली में जो है, देखिए फ्लावरिंग हुई है, ठीक है। ये देखिए आपको हम, ये देखिए मूली है, ठीक है। ये देखिए मूली है और इसी पौधे में देखिए आपको ये फ्लावरिंग हुई दिख रही ना। ये एक मूली का जो पौधा है, ये बाइनियल है, मतलब दो वर्षीय है, नहीं, ठीक है। इसकी जो लाइफ साइकिल पूरी है वो दो सीजन में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये बाइनियल पौधा है, ठीक है। इसमें हम लोग करते क्या है, जब मूली आती है तो हम तुरंत जो है उसको उखाड़ देते हैं और वेजिटेटिव पार्ट को इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, जिससे क्या होता है, केवल हमको मूली मूली दिखती है। आपने कभी फ्लावर इसमें नहीं देखा होगा, ठीक है। तो मूली में देखिए फ्लावर इस तरीके से आते हैं, आप इसको इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये मूली का फ्लावर है, ठीक है। थोड़ा देखिए पर्पल कलर लिया हुआ है, बाकी सब जो है वाइट कलर का है, ठीक है। तो ये जो है मूली जो है, ये ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है ना, और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो रैफिना सटाइवस है, ठीक है। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो 18 है, ठीक है। इसमें 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक, ये देखिए आपको पूरी मूली के जो है पौधे दिखेंगे जिसमें फ्लावरिंग आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका सीड प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। मूली का जो है सीड प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक रोचक जानकारी को हासिल किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।